हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस नए सेशन में। इस सेशन का टॉपिक है फेलियर एनालिसिस। हमारी इंडस्ट्री का एक चैलेंज होता है कि हमारी इंडस्ट्री के जितने भी फेलियर्स आते हैं, उन सभी फेलियर्स के लिए हम लोगों को एक फेलियर एनालिसिस करना होता है। इस फेलियर एनालिसिस के लिए हमारी इंडस्ट्री डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें से एक टूल है 5Y एनालिसिस। आजकल ये टर्मिनोलॉजी चेंज होके इसका नाम हो गया है YY एनालिसिस। सो जब हम दो बार YY बोलते हैं, तो दो बार Y बोलने का मतलब फर्स्ट Y चेन इज फॉर अकरेंस एंड सेकेंड Y चेन इज फॉर डिटेक्शन। तो हमें दो डिफरेंट चेन्स चाहिए। एक, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में इस तरीके की अकरेंस होने की क्या पॉसिबिलिटीज रहीं, क्या रूट कॉजेज रहे। सो उन रूट कॉजेज तक पहुंचने के लिए एक वाई चेन यूज करते हैं, जिस वाई चेन का टॉपिक होता है अकरेंस। एक दूसरी चेन हम और यूज करते हैं, जिसका टॉपिक होता है डिटेक्शन। कि हमारी इंडस्ट्री में ठीक है कि अगर ये प्रॉब्लम अकर हुई है, लेकिन ये समय पर डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाई। सो डिटेक्शन के लिए रूट कॉज क्या रहा है, डिटेक्शन फेलियर के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए सेकंड वाई चेन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और वाई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और वो वाई है सिस्टम। कि आखिर हमारे सिस्टम का कौन सा फेलियर था जिस फेलियर की वजह से ये अकरेंस हुई, या जिस रूट कॉज की वजह से ये जो सिचुएशन है, ये हम प्रॉपर तरीके से अपनी इंडस्ट्री के अंदर डिटेक्ट नहीं कर पाए। आप लोग याद रखिए, हमारा मेजर फोकस प्रिवेंशंस पे होना चाहिए, ना कि डिटेक्शंस पे। सो हमारा जो ये थर्ड वाई है, जो सिस्टम के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, ये थर्ड वाई आपके सिस्टम को रूट कॉज को समझने में आपकी मदद करेगा। कि आखिर सिस्टम के कौन सा रूट है जिस रूट को इम्प्रूव करके इस तरीके की सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, और इंडस्ट्री से इस तरीके की सिचुएशन को बाहर किया जा सकता है। याद रखिए, हमारा फोकस डिफेक्ट को खत्म करने की तरफ होना चाहिए, ना कि डिफेक्टिव यानी कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स, उनको कम करने की तरफ नहीं होना चाहिए। तो हमारा फोकस बड़ा क्लियर होना चाहिए कि डिफेक्ट को खत्म करना है, ना कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स को रिड्यूस करना है। नॉर्मली इंडस्ट्रीज के अंदर जो देखने को मिलता है, वो यही देखने को मिलता है कि हमने एक एनालिसिस किया, और एनालिसिस करके अगर उस डिफेक्ट के नंबर्स कम हो जाते हैं, तो हम उसको इम्प्रूवमेंट कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन इस तरीके की एनालिसिस डिफेक्ट एनालिसिस नहीं कही जा सकती। हाँ, डिफेक्टिव एनालिसिस जरूर कही जा सकती है, क्योंकि हमारा फोकस नंबर ऑफ डिफेक्टिव रिड्यूस करने में है, ना कि डिफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए। सो याद रखिए, अच्छी प्रैक्टिस है डिफेक्ट को एलिमिनेट करना, क्योंकि डिफेक्ट अगर हमारी इंडस्ट्री से एलिमिनेट हो जाता है, तो इस तरीके के डिफेक्ट के ऊपर हमें दोबारा से कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप आप सब लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि आप लोग की इंडस्ट्री में जिस तरीके की एनालिसिस और जिस तरीके का फोकस केवल और केवल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट को रिड्यूस करके हम इम्प्रूवमेंट कंसीडर कर लेते हैं, सो आई थिंक दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। याद रखिए, हमारा फोकस डिफेक्ट को एलिमिनेट करने में। इस फेलियर एनालिसिस को करने के लिए हम लोग एक अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, और उस अप्रोच को हम लोगों की भाषा में बोला जाता है YY एनालिसिस। ये YY जो दो बार YY बोला जाता है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को दो सेपरेट चेन, Y फर्स्ट चेन इज फॉर अकरेंस एंड सेकेंड Y चेन इज फॉर डिटेक्शन। सो दिस फर्स्ट Y चेन इज फॉर अकरेंस। So, इस फर्स्ट वाई चेन के थ्रू हम लोग अकरेंस के होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं, या अकरेंस के होने के जो रूट कॉज है,
उस रूट कॉज को पहुंच रूट कॉज तक पहुंचने के लिए इस 5 व्हाई एनालिसिस का यूज करते हैं, और इस 5 व्हाई एनालिसिस के थ्रू इसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में इस तरीके का डिफेक्ट अकर क्यों हुआ है। एक और वाई चेन जो हम लोग यूज करते हैं, एंड दैट चेन इज वाई फॉर डिटेक्शन, कि हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इंडस्ट्री में एक डिफेक्ट अकर तो हुआ, लेकिन हमारे डिटेक्शन मेथड्स में कहाँ कमी रह गई थी और क्या रूट कॉज था जिसकी वजह से हम उस तरीके के फेलियर को अपनी इंडस्ट्री के अंदर डिटेक्ट नहीं कर पाए। सो सेकंड वाई चेन हमें सपोर्ट करती है डिटेक्शन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल रूट कॉज है उस रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारे कॉन्सेप्ट में इस वाई एनालिसिस में ज्यादातर केसेस में, मोर देन 95% केसेस में 5 व्हाई के अंदर हमारे रूट कॉजेस निकल आने की पॉसिबिलिटी 95%। और क्योंकि 95% केसेस में 5 व्हाई के अंदर हमारे रूट कॉजेस निकल आते हैं, इसीलिए इस अप्रोच का नाम 5 व्हाई एनालिसिस रखा हुआ है। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर अबाउट दिस वाई एनालिसिस, क्योंकि हमारे बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारी इंडस्ट्री इस अप्रोचेस का यूज कर रही है। लेकिन एक और वाई है जिसके बारे में बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी कोई फोकस नहीं कर रही, और जो इंडस्ट्रीज के बारे में फोकस कर भी रही हैं उनकी भी अप्रोच सही नहीं है। तो उसको इंप्रूव करने के लिए हम जो बात करना चाहते हैं, जो हमारा मेजर फोकस है, दैट इज थर्ड वाई चेन, दैट इज फॉर सिस्टम्स, कि हमारे सिस्टम की क्या कमियां हैं जिसकी वजह से इस तरीके की सिचुएशन अकर होती है, और अगर अकर होती है तो हमारे सिस्टम में क्या कमियां हैं जिसकी वजह से ये डिटेक्शन फेल हो जाता है। तो इस फेलियर एनालिसिस का थर्ड वाई विच इज फॉर सिस्टम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन इस थर्ड वाई का इस्तेमाल नहीं कर रही। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये थर्ड वाई एक्चुअली है क्या। सो हमने यहां पे इंडस्ट्री की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने की कोशिश की है, जो मेरे ख्याल से लगभग हर इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके की सिचुएशंस आप लोग महसूस करते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे। जैसे फर्स्ट कि हमारे जो कंट्रोल प्लान में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है और जो एक्चुअल शॉप फ्लोर पे जो वर्क इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके बीच में मिसमैचेस जनरली इंडस्ट्रीज में देखने को मिलते हैं। कंट्रोल प्लान कहता है कि सेटअप अप्रूवल में 5 पीस चेक करने हैं, वर्क इंस्ट्रक्शन कहती है केवल 2 पीस करने हैं, एक जगह लिखा होता है रिकॉर्डिंग करनी है, एक जगह लिखा होता है रिकॉर्डिंग नहीं, कि रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा होता या नहीं करनी है। कहीं पे हमने स्पेशल करेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई की हुई है कंट्रोल प्लान के अंदर, लेकिन एक्चुअली वर्क इंस्ट्रक्शन के अंदर उसको स्पेशल करेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई ही नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके के मिसमैचेस मैं समझता हूं आप सब लोगों की इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, और जब इस तरीके की नॉन कन्फर्मिटी आइडेंटिफाई होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट्स और इट मे बी इन एक्सटर्नल ऑडिट्स, सो ज्यादातर करेक्टिव एक्शंस इस तरीके की सिचुएशन के लिए दिए जाते हैं। तो उस करेक्टिव एक्शंस आर कि हमने एक रिव्यू फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस कर दी है कि आगे से हम एक पर्टिकुलर समय पे इस तरीके के मिसमैचेस को देखने के लिए एक रिव्यू मैकेनिज्म अपनाएंगे, यानी कि एक और किसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक नई चीज ऐड कर दी जाती है कि आज से आप लोग इसको भी एक बार चेक करेंगे कि क्या दोनों डॉक्यूमेंट एक दूसरे के साथ अलाइन है या नहीं। कहीं कहीं इस फ्रीक्वेंसी का नाम होता है कोहेरेंस चेक। तो इस तरीके के करेक्टिव एक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत कॉमन और बहुत आम तरीके से देखने को मिलते हैं। इसी तरीके का एक और इश्यू हमने
देखा है और वो ये देखा है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट, मार्केटिंग ने कस्टमर की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई की है। कस्टमर लेआउट इंस्पेक्शन के बारे में कुछ कहना चाहता है, प्रोसेस ऑडिट के बारे में कुछ कहना चाहता है, रिकॉर्ड के रिटेंशन पीरियड के बारे में कुछ कहना चाहता है। रिकॉर्ड रिटेंशन 5 ईयर्स होना चाहिए, तो कस्टमर ने अपनी रिक्वायरमेंट में साफ साफ मेंशन किया है कि 5 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन जब हम शॉप फ्लोर पे एक्चुअली उन सब चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो शॉप फ्लोर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहते हैं 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। इसका मतलब यह है कि जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स है वो कस्टमर रिक्वायरमेंट शॉप फ्लोर पे जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस है उसके साथ अलाइन नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन भी नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके लिए करेक्टिव एक्शंस, कुछ करेक्टिव एक्शन कुछ इस तरीके की भी हो सकते हैं कि हमने कोर टीम मेंबर्स को ट्रेनिंग दे दी है आगे से इस तरीके की सिचुएशन नहीं होगी, और अभी हमने फिलहाल इन दोनों चीजों को मैच करा दिया है। सो ज्यादातर फोकस हमारा ये रहता है कि कंटेनमेंट करके ये अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए और लोगों को ट्रेनिंग देके खत्म कर दिया जाए। एक और चीज है कि मार्केटिंग कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आता है कस्टमर से रिलेटेड, ये मे बी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन क्वांटिटी कि कितना बनाना है, कैसे बनाना है, क्या डिस्पैच शेड्यूल्स रहेंगे, लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्शन प्लानिंग है वहां पे उस तरीके की इंफॉर्मेशन को का गैप नोटिस किया जाता है। तो इस तरीके की सिचुएशन के लिए फिर से कुछ करेक्टिव एक्शन दिए जाते हैं कि हमने रीचेक फ्रीक्वेंसी डाल दी कि एक बार सुबह को वो देखेंगे और शाम को किसी दूसरे बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने फिक्स कर दी कि भाई शाम को एक बार आप भी देखिए, या उसकी कोई रिव्यू फ्रीक्वेंसी को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। सो एक्चुअली इस तरीके के करेक्टिव एक्शन और इस तरीके के इश्यूज इंडस्ट्री के अंदर मोस्ट कॉमन इश्यूज की तरह जाने जाते हैं। लेकिन अभी हमने जिस फोकस किया थर्ड वाई के ऊपर, मींस हम सिस्टम फेलियर और उनसे रिलेटेड एक्शंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपने नोटिस किया कि तीन डिफरेंट इश्यूज हैं और तीनों के लिए तीन डिफरेंट करेक्टिव एक्शंस हम लोगों ने डिफाइन किए हैं। लेकिन अगर हम सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो सिस्टम का जो फेलियर है दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन फेलियर, कि एक इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट के अंदर है और जब ये इंफॉर्मेशन किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ शिफ्ट होती है तो उन दोनों डॉक्यूमेंट के बीच में ये लैप्सेस क्रिएट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम एडिक्वेट नहीं है, उसके बीच में कहीं प्रॉब्लम्स है। तो हमारे लिए करेक्टिव एक्शंस क्या हो सकते हैं? सो करेक्टिव एक्शन कि हम कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसा मैकेनिज्म एस्टैब्लिश कर दें जिससे कि हमारी एक इंफॉर्मेशन जब दूसरे जगह दूसरे प्रोसेस ओनर के डॉक्यूमेंट के साथ फिक्स की जाती है तो इन दोनों के बीच में इस इंफॉर्मेशन का फेलियर को अवॉइड कर सके। जैसे एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक वी लुकअप फैसिलिटी दी हुई है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ध्यान रखिएगा ये रेफरेंस के लिए आपको बताया जा रहा है कि वी लुकअप एक फैसिलिटी दी हुई है कि एक शीट का दूसरी शीट के साथ अलाइनमेंट किया जा सकता है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपने पहली शीट में डाली है सेम इंफॉर्मेशन सेकेंड शीट के ऊपर ऑटोमेटिकली अपियर होती है। तो इंफॉर्मेशन के फेलियर को खत्म किया जा सकता है। तो अब इन तीनों ही केसेस में अगर हम कोई एक मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम ये इंश्योर कर सकें कि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जाने के बीच में कोई इंफॉर्मेशन लैप्सेस ना हो, तो हम इस तरीके के फेलियर्स ना केवल एक सिचुएशन के लिए बल्कि कंपनी के अंदर होने वाले 100 फेलियर्स के लिए केवल एक ही करेक्टिव एक्शन सफिशियंट रहेगा। तो हमारा एक एफर्ट 100 इश्यूज जिसका कि मेन रूट कॉज अगर सिस्टम के पॉइंट से समझा जाए तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन फेलियर हो, जो कि लगभग हर प्रोसेस के अंदर टॉप मैनेजमेंट से बॉटम की तरफ जाने में और बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है और मिल सकता है। तो हमारा एक फॉर्मूला कंपनी की कम से कम 100 प्रॉब्लम्स को और मोर देन 100 प्रॉब्लम्स को एक फॉर्मूले के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है। So, conclusion is कि only one systemic action is sufficient to prevent such kind of failure from throughout the organization. कि हमारे एक systemic action के through हम company के अंदर होने वाले इस तरीके के जितने भी failures हैं
उन सब को ऑर्गेनाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर सकते हैं। जहां पे हमारी इंडस्ट्री हर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के ऊपर इंडिविजुअल एक्शंस ले लेके और उसके बाद भी ये गारंटी नहीं ले पाती कि अब वास्तव में इस तरीके के एक्शन इस तरीके के फेलियर्स रिपीट नहीं होंगे, लेकिन अगर सिस्टम के ऊपर ये एक्शंस लिए जाएं तो हमारे प्रोसेस ओनर ये भी गारंटी ले सकते हैं कि अब इस तरीके का फेलियर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को नहीं मिलेगा। सो आई होप कि दिस सिस्टमिक एक्शन की इंपॉर्टेंस को आप शायद समझ पाए। तो थर्ड वाई का इस्तेमाल करके हम लोग केवल एक एक्शंस के थ्रू कंपनी की मोर देन 100 प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और ये गारंटी भी ले सकते हैं कि इस तरीके का फेलियर अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होगा। तो एक छोटा सा एफर्ट अगर इंडस्ट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कि थर्ड वाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस थर्ड वाई की इंपॉर्टेंस को समझ पाए होंगे और इंडस्ट्री के अंदर कोशिश करेंगे कि इस थर्ड वाई को एस्टैब्लिश किया जाए, क्योंकि ये थर्ड वाई ही ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स, आप लोगों के टाइम, आप लोगों की प्रॉब्लम्स, कस्टमर के इश्यूज, इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने में आप लोगों की मदद करेंगे। सो thank you and thank you very much for watching this video and agar aap logon ko lagta hai ki ye video ek organization ke liye bahut important hai to is video ko aap apni team apni colleagues aur apne sabhi sathiyon ke sath share kar sakte hain aur isi tarike ki kisi dusri videos ko dekhne ke liye aap hamare channel ko subscribe bhi kar sakte hain। so thank you and thank you very much।